अच्छा दूसरी का और दूसरी जगह मिलो लेकिन यहाँ सवेरे बताओ। हाँ आपकी लड़की क्या हुआ भाई? घर में लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं भाई। हाँ हमने सोची लेटरिंग करने गए। हाँ जब आधा घंटा हो गए ना ही आए तो हम ढूंढने गए। हाँ। उधर मिली नहीं। हाँ। तो हम ढूंढते ढूंढते वैसी में आए इधर मिली एक लड़की नहीं पड़ी। हाँ। उसके पास मोबाइल पड़ो मिलो और बाद में दूसरी लड़की को सुबह ढूंढ डालो ना ही मिलो तो सवेरे पता लगो जाए। कहाँ रहती हूँ? हम बिलासपुर रहा हूँ। यहाँ क्या कर रही हूँ? भट्टा पर कावीट पर। क्या लड़कियों का नाम है आपकी? तो पूजा तो दिखाओ ना। उधर मिली पूजा नाम, उधर मिली अंशिका नाम है। तो लड़कियों को डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, यहाँ कासिमपुर में एक भट्टा है। ये लोग यहाँ भट्टे पर 3-4 महीने से काम कर रहे थे और ये दोनों सगी बहनें हैं। कल शाम को ये घर से निकली होंगी रात में 7 बजे के आसपास में, तो परिवार वालों ने सोचा कि बाहर फ्रेश वर्स होने गई होंगी। थोड़ी देर बाद जब ये लोग नहीं लौटी तो उसके बाद इन लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढना शुरू किया तो इनको एक को मृत अवस्था में इन लोगों ने थोड़ी दूरी पर पाया। फिर इसके बाद इन लोगों ने कोई पुलिस को सूचना नहीं दी, अपने आप ढूंढते रहे दूसरी को। और इनने इस बीच में पूरी रात इनका कहना है कि हम लोगों ने ढूंढा लेकिन हम नहीं पाए। सुबह इनको एक बच्ची पेड़ पर लटकी हुई मिली, तब ये पुलिस पे गए और पुलिस मौके पे आके घटनास्थल का निरीक्षण किया और बच्चियों को यहाँ से एम्बुलेंस में आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उनको भिजवाया है वहाँ मुख्यालय पर मर्चरी के लिए। जो प्राइमरी तौर पर इन लोगों ने यहाँ देखा तो इस तरह की कोई अभी किसी ने शिकायत नहीं की है उनके साथ कोई इस तरह के दुर्व्यवहार की बात आई हो, लेकिन हम लोग उसका ठीक से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये घटना क्यों हुई और उसका कारण क्या है। अभी जो चोटों का शरीर पर देखा गया तो गले पर जो बच्ची लटकी हुई थी उसके तो निशान है ही है। जो बच्ची इनको रात में मिल गई थी करीब 10 बजे के आसपास उसके गले पर भी निशान दिखाई दे रहे हैं। हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये घटना क्यों हुई, किन लोगों ने की और किस कारण से हुई है। पूरी बात जैसे ही पता लगती आप लोगों को अवगत कराएंगे।